नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्किल मास्टर चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है हमदीन। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि मैं स्विमिंग का वीडियो बनाता हूं। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए लेके आया हूं। जिसको स्विमिंग नहीं आता है उसके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइज आपको मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस हमारा जो पहला पॉइंट है वो किसी के बहकावे में ना आना, यानी कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप किसी के बहकावे में ना आए। जब तक आप स्विमिंग ना सीखे हो तब तक आप पानी के अंदर ना जाएं। बहुत सारे लोग होते हैं चढ़ा देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपको बोल देते हैं कि आप जाओ कर सकते हो। तो गाइस मैं बता दूं कि आप जब तक आपको स्विमिंग नहीं आती है आप पानी में जाने की कोशिश मत करें, स्विमिंग सीख जाएं। अगर आपको आती है तब आप जा सकते हैं। और गाइस हमारा दूसरा पॉइंट है सोबाजी। सोबाजी भी हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि बहकावे में आना, यानी कि सोबाजी के चक्कर में जो बहुत सारे लोग जो होते हैं जो दिखावे के चक्कर में सोबाजी के चक्कर में पानी में जाके कूद जाते हैं, कूदने के बाद से डूबना चालू हो जाते हैं। तो जब तक आपको स्विमिंग नहीं आती है तब तक आपको सोबाजी नहीं करनी। अगर आपको स्विमिंग आ जा रही है तब आप आराम से सोबाजी कर सकते हैं, जितना करना है कर सकते हैं, जितना दिखाना दिखा सकते हैं। जब आपको स्विमिंग आ जाती है तब आप बिल्कुल। हमारा अगला पॉइंट है बिना गहराई पता किए पानी में जाना। गाइस मैं आपको बता दूं कि जब भी आप स्विमिंग सीखने जा रहे हैं तो उस समय आपको गहराई का पता जरूर करना है कि यहाँ पे कितना डीप है, वो डीप आपको जरूर चेक कर लेना है। बिना डीप चेक किए जाएंगे तो आप डूब सकते हैं, आपको डूबने की संभावना ज्यादा रहेगा। तो आप आगे जानते हैं कि कितना प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पानी जो है वो किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं बख्शता। अगर आपको स्विमिंग आती है तो फिर आप लोग के लिए गहरा भी कोई मायने नहीं रखता है। और गाइस हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बिना लाइफ गार्ड का। आप कोशिश करें कि जब भी आप स्विमिंग सीखने जा रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई लाइफ गार्ड होना चाहिए, या फिर आपके कोई दोस्त या घर परिवार के लोग वहां पे शामिल जरूर रहें, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो बाहर से कोई सपोर्ट दे सके। उसके लिए आपको जरूरी है कि आप बिना लाइफगार्ड या बिना किसी के मौजूदगी में आप पानी में जाने की कोशिश ना करें। गाइस जो हमारा अगला पॉइंट है जो वो किसी को बचाने की गलती। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको स्विमिंग नहीं आती है तब तक आप किसी को बचाने की कोशिश ना करें। आप बाहर से बचा सकते हैं डंडा फेंक के या कोई कपड़ा फेंक के, कुछ भी पानी में कूद के बचाने की कोशिश ना करें। जब तक आपको स्विमिंग नहीं आती है तब तक आप पानी में कूदने की कोशिश ना करें, नहीं तो पहले आप डूबेंगे फिर उसके बाद से फिर वो डूबेगा। सो आपको जब तक स्विमिंग नहीं आती है तब तक आप किसी को बचाने की कोशिश मत करें, चाहे वो कोई भी हो। एक के चक्कर में दोनों की जान जा सकती है, तो आप इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। सो गाइस हमारा अगला पॉइंट है किसी को पानी में धक्का देने की गलती। बहुत लोगों के देखा है कि जब बहुत सारे लोग जो आते हैं पहली बार स्विमिंग करने, बहुत स्विमिंग सीखने आते हैं या नदी तालाब के आसपास रहते हैं, तो जो मजाक मजाक में किसी को धक्का दे देते हैं, तो वैसी गलती आप ना करें। क्या पता उसको स्विमिंग नहीं आता हो तो फिर वो डूबने लगेगा, तो फिर आप लोग के लिए महंगा पड़ सकता है। तो आप धक्का देने की गलती ना करें। और हमारा अगला पॉइंट है पानी में डुबाने का मजाक। सो गाइस मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता दूं कि ये कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो स्विमिंग पूल में खेलते हैं, मजाक करते हैं, जो पानी में डुबाने का या पैर खींचने का बहुत सारे चीज जो हैं जो ऐसा स्विमिंग पूल में होते हैं और जो पानी में डुबाने की कोशिश करते हैं, तो ये आप लोग के लिए महंगा पड़ सकता है। तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि अचानक में ही हादसा होता है। सो आप ऐसी गलती ना करें। सो गाइस हमें लगता है कि आज का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। कोशिश करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए, आप ज्यादा शेयर करेंगे लोगों तक पहुंचेगा, लोग समझ पाएंगे। तो आप चाहते हैं अपने दोस्त का हेल्प करना, तो लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना कि हमें पानी से कितना सतर्क रहना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।